और यहाँ पर देखिए टाइटैनिक अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। ये डीए खान की झील जो नजर आ रही है, जिसके अंदर गाय भैंसे बकरियां तैरती हुई जा रही है। वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी तबीयत है। मैं आपको लेकर आया हूँ नखलिस्तान कश्मीर पार्क डी आई खान में। देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल एक तरफ दरिया का किनारा है और दूसरी तरफ ये नखलिस्तान पार्क है, जिसकी हालत कुछ नकुफ्ता बह लग रही है। ये डायनासोर है और ये पार्क रोड के बिल्कुल साथ वाक़ है और दरियाए सिंध के संगम पर वाक़ है। इन्हीं पत्थरों पर चलते चलते हम जा रहे हैं, लेकिन रोड से थोड़ा सा नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कश्मीर नखलिस्तान पार्क। यह है नखलिस्तान कश्मीर पार्क, जिसका महमूद खान ने इनॉग्रेशन किया था और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर अली अमीन घंटापुर। नखलिस्तान कश्मीर पार्क के अंदर कुछ हालत ऐसी ही लग रही है। डायनासोर का ढांचा जिसकी पूँछ के अंदर मगोरियाँ हुई पड़ी हैं। ओल डायनासोर की आत्मा रुली पड़ी है, गेट टूटा हुआ है और बेंचेस अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मौसम के बायस यहाँ पर ढेर सारा घास हुआ पड़ा है और ये दरिया का किनारा है। टाइटैनिक अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर ले रहा है। चले देखते हैं, यहाँ पर दरिया नज़र आ रहा है। क्या दरिया के अंदर ही जानवर बहते हुए जा रहे हैं, ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये डीए खान की झील जो नज़र आ रही है, जिसके अंदर गाय भैंसे बकरियां तैरती हुई जा रही हैं। यहाँ पर बहुत आला किस्म की तैराक गायें भैंसे बकरियां हैं जो यहाँ पर तैरती हुई जा रही हैं। टाइटैनिक अपनी आखिरी से भी आखिरी सांसें ले चुका है और वो चलने वाले जहाज़ जिस पर कभी भी लगता है ज़िंदगी में कोई नहीं बैठा होगा, वो यहाँ पर है। ये झील दरिया किनारे है। आहा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। नखलिस्तान पार्क तो बिल्कुल ही नखलिस्तान लग रहा है। वैसे सहराई पार्क अगर कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब था। यहाँ पर छड़प छड़प करती हुई गाय भैंसे बकरियाँ आप देख सकते हैं। वो देखें, भैंसे जो हैं वो छड़प छड़प करती हुई जा रही हैं। नखलिस्तान पार्क का जो एक तरफ है वहाँ पर आपको नज़र आ सकता है ताज़ा झील, बुसी हुई झील, और दूसरी तरफ टूटे हुए पार्क की चेयर्स। वो टाइटैनिक जो मैंने 50,000 दफ़ा बता दिया है, मुझे लगता है पतली गली से जाना पड़ेगा और अब हम यहाँ से निकलेंगे। कैसा लगा आपको नखलिस्तान पार्क, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मौसम के पेश नज़र देखिए यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ दरियाए सिंध से निकलने वाली झील और दूसरी तरफ नखलिस्तान कश्मीर पार्क का खूबसूरत नज़ारा और तीसरी तरफ कुदरत का ये नज़ारा। दरियाए सिंध या झील के किनारे यहाँ पर एक शिप टूटी हुई हालत में पड़ा है, जिसको शायद अब क्लोज कर दिया गया है ताकि उसके ऊपर कोई बैठ ना सके। नज़ारा बहुत प्यारा है, जानवर यहाँ पर फिर रहे हैं, रोड बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, माशाल्लाह। और ये देखिए, टूटा हुआ टाइटैनिक अपनी आखिरी से भी आखिरी सांसें ले रहा है और पीछे कोई भाई साहब बाबा बकरियाँ चढ़ा जी करके ना, मैं तो टिकटॉक ला लूँ। और यहाँ पर देखिए टाइटैनिक अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। किसी टाइटन की तलाश में वो बेचारा बुरा हाल हो चुका है। यहाँ की अवामी चाय और अवामी लोगों ने इसके ऊपर कांटे रख दिए हैं ताकि कोई चढ़ ना पाए। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो आपको सुरीली आवाज़ें किसी की पायल की आ रही हैं, वो किसी की पायल की नहीं, वो इस पायल की है जिसके अंदर दिल वाले दुल्हनिया के दरवाजे की घंटी का। और ये खूबसूरत नज़ारे में जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था तो ख़तरनाक किस्म की भैंसें जो यहाँ पर खाना खा रही थी, उन्होंने मुझ पर हमला करने की भरपूर कोशिश की। देखिए, शिप बेचारा अपनी आखिरी सांसें भी ले चुका है। इस पार्क का कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया, टूरिज्म कॉरपोरेशन KPK का ये है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लगता है कि इन कश्तियों को कभी ज़िंदगी में नहीं चलाया गया। यहाँ पर कैंटीन है जो कभी चली नहीं। यहाँ पर हालत नागुफ्ता है और लगता है यहाँ पर कोई नहीं आता। शायद मैं ही गलती से आ गया हूँ, अब मुझे भी पतली गली से निकलना ही होगा। कैसा लगा आपको नखलिस्तान पार्क और ये डीए खान की झील जहाँ पर टूटा हुआ टाइटैनिक पड़ा हुआ है। बहुत सारी आवाज़ें आपको आ रही हैं खटपट खटपट की, जो यहाँ पर मौजूद है, बुफेलोज़।
और उसके बाद अब हम पतली गली से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए जगह है नहीं, मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी गर्मी के बायस हमें पसीनों पसीनी नहीं बल्कि पसीनों पसीनी हो चुके हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड जो है इतनी प्रेसिपिटेशन कर चुके हैं कि अब तो लगता है कि सबीशियस ग्लैंड भी अपना काम छोड़ चुके हैं।